हरदा शहर के करीबी गांव नकवाड़ा की एक प्राइवेट स्कूल रेड फ्लावर हायर सेकेंडरी में छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बालक तनिष पिता दिनेश सैनी उम्र 14 वर्ष निवासी जिजगांव 9 कक्षा में पढ़ता था, नवी कक्षा का छात्र था। सुबह 8 बजे स्कूल गया था और स्कूल के दो शिक्षक मोटरसाइकिल से बेटे को मृत हालत में घर छोड़ गए। परिजन उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर आए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तबीयत बिगड़ने से 14 वर्षीय स्कूली छात्र की मौत हो गई। स्कूल परिसर में खेल के दौरान वह बेहोश हुआ था। परिजन लोडिंग में रख कर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस बात को लेकर परिजन आक्रोशित हैं। बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जा चुका है। थाना रहट गांव के अंतर्गत आने वाले ग्राम नकवाड़ा का पूरा मामला है। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मैं डॉक्टर गोविंद सिंह कुशवाहा, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय में हरदा में इमरजेंसी ड्यूटी पर उपस्थित था। आज दिनांक 9/12/2022 को लगभग 12:15 बजे के करीब बच्चे के साथ कुछ परिजन स्कूल की यूनिफॉर्म में एक बच्चे को, लगभग 13-14 वर्ष के बच्चे को, मृत अवस्था में लेकर आए थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।